देखिए, कल लौंगिया मोहल्ले में थोड़ा तनाव की स्थिति हुई थी, जिसके बाद में उस क्षेत्र के सभी सीएलजी मेंबर्स शांति समिति के सदस्यों को बुला करके बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। जो भी इश्यूज हैं उन पर डिस्कशंस किया गया, और जो सदस्य हैं हमारे शांति समिति के, उन सभी के साथ में बैठ करके हम कैसे इस इशू को डील करें, कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बात हुई है। और पुलिस भी और ज़्यादा अलर्ट रहेगी उस इलाके में, इसके साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम हम करेंगे जो कि इस तरह की सांप्रदायिक भावना भड़काने का प्रयास करते हैं या बार बार भड़का रहे हैं, और उनके विरुद्ध जो भी कठोर से कठोर लीगल कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। आज की मीटिंग के बाद में यही निर्णय लिया गया है कि ऐसे जितने भी लोग इलाके में हैं उनको चिन्हित करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी तक कितने लोगों को चिन्हित कर चुके हैं? देखिए, कल के घटनाक्रम के बाद में एक बड़ी संख्या में 108 के तहत इस्तगा से पेश किए गए हैं। 50 से अधिक लोगों के खिलाफ 108 का इस्तगा से पेश किया गया है। बाकी और भी लोगों को चिन्हीकरण करने का काम लगातार चलता है। सर, एक चीज और थी कि यहाँ सीसीटीवी कैमराज का जो प्रोजेक्ट है वो उसमें बाकी जो कैमरे लगने हैं उन पर काम चल रहा है, क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट है जिस पर कि एक अलग डिपार्टमेंट को काम करना है। पुलिस नहीं लगाती है कैमरास, तो वो डिपार्टमेंट जो है वो सेकेंड फेज़ की ओर जाने वाला है, जिस फेज़ में बाकी कैमरा लगाए जाएंगे, तो शायद जल्दी वो काम शुरू होगा। उस पर मैं टिप्पणी अभी नहीं कर सकता, पर जो भी उसमें आगे कैमरे लगेंगे वो निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। अभी उसमें जो कैमरे हैं उनमें से जो भी चल रहे हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं।